Hey guys, welcome back to my channel, to my another new vlog. So आज जो है basically fourth day है I think, and basically आज जो है वो rest day है हम लोगों का. वैसे घूमना फिरना तो आज कुछ है नहीं, लेकिन देखेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे आज लोकल मनाली को, थोड़ा बहुत कैफेज चलेंगे, एंड उसके बाद आई थिंक अभी टाइम हो रहा है 9 बजे और अभी हम लोग चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. और आने के बाद मैं आपको होटल का एक रूम टूर दे दूंगा और किस होटल में रुके हुए हैं, और बेसिकली जो एक ट्रिप का जो बजट था, ये बजट प्लान मैं आपको बताऊंगा. तो आप भी आ रहे हो मनाली या कहीं घूमने जा रहे हो मनाली से बाहर, जैसे कि हम कल गए थे जिस्पा, फिर जिस्पा से बारालाचा पास, तो आप प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंगली. तो अभी फ़िलहाल चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, बहुत भूख लगी है. तो गाइज हम लोगों ने जो है ब्रेकफास्ट करके अभी आके रूम में थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, और देखते देखते मतलब पता नहीं कैसे टाइम गुजर गया, और अभी 1:30 हो रहा है. तो अभी वैसे प्लान तो बन रहा है, देखते हैं बाहर जाने का, लेकिन मौसम भी आज जो है वो थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है. तो अभी फिलहाल लंच करने हम लोग जा रहे हैं, अभी फ्रेश होके, एकदम मस्त सा फ्रेश होके हम लोग अभी लंच करने जा रहे हैं. होटल में ही लंच करेंगे एक्चुअली. लंच करने के बाद देखेंगे, अगर कहीं हुआ तो बाहर जाएंगे, और फिर मैं आपको रूम टूर भी आज देने वाला हूँ. और वैसे ब्रेकफास्ट में बहुत सारा ऑप्शन था एक्चुअली, फ्रूट्स था, जूसेस थे, और आलू पराठा, कॉर्न वगैरह, कॉर्नफ्लेक्स, मतलब सब कुछ, मतलब सब टाइप के अवेलेबिलिटी मतलब इन लोगों के पास था, तो जो कि एक प्लस पॉइंट है होटल के बारे में. और फिलहाल मैंने अभी तक बताया नहीं कि मैं कौन सा होटल में ठहरा हुआ हूँ, तो मैं फिलहाल ठहरा हुआ हूँ स्नो पिक रिट्रीट एंड कॉटेजेस में. देखते हैं आगे, डिनर भी करेंगे तो रिव्यू उसका भी दे देंगे, और रूम टूर भी वैसे भी मैं करवाने वाला हूँ कुछ ही टाइम में. बट सच कहूँ गाइज, मनाली इज़ नॉट लाइक द ओल्ड वन. तो अभी जैसे मतलब सिचुएशन है, बहुत ही मतलब ह्यूमिड है, वेदर क्लाउडी है, बाहर अच्छा लग रहा है, लेकिन रूम के अंदर जो पहले मतलब हम लोग फील कर रहे थे वो जो ठंड थी, वो नहीं है एक्चुअली मनाली में. आई डोंट नो बिकॉज ऑफ क्राउड पोल्यूशन और लाइक व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, बट फिलहाल बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और आप देख सकते हो मेरे पसीने आ रहे हैं रूम में बैठ के. तो इट इज़ लाइक बैंगलोर का वेदर इज़ लाइक वेरी गुड, बट मनाली में आके हम लोग को वो फील नहीं आ रहा है वेदर का. तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं लंच करने के लिए, और उससे पहले आप ये टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए. तो ये रूम का एंट्रेंस है, इस साइड में आपको वॉशरूम मिल जाएगा, काफी स्पेशियस वॉशरूम है और नीट एंड क्लीन भी है. और ये आपको किंग साइज बेड मिल जाएगा, इस तरफ आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा कुछ रखने के लिए, और मिरर तो वैसे है ही यहाँ पे, केटल वगैरह है, फ्रिज वगैरह है, और ये स्लीपर भी है. और यहां पे आपको चेयर एंड टेबल भी मिल जाता है. तो ये एकदम वाइड लेंस में आप देख सकते हो रूम कैसा है, ठीक ठाक रूम है. जो प्राइस हमने पे किया है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कितना प्राइस हमने पे किया है इस रूम के लिए वन नाइट का. और कुछ इस तरह से बालकनी है, सिटिंग के लिए आपको दिया गया है, और ऐसा कुछ व्यू है बालकनी से. और ये था रूम टूर स्नो पिक रिट्रीट कॉटेजेस का. जिस रूम में हम रह रहे हैं इसको लग्जरी रूम माना जाता है, इससे ऊपर भी एक और रूम है, आई थिंक प्राइम या प्रेसिडेंशियल रूम ऐसा कुछ तो है.
तो फ्रेंड्स अभी मैं वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि हम लोगों का दो लोगों का कितना एक्सपेंडिचर आया है और हमने ये कैसे प्लान किया था। तो बेसिकली ये जो ट्रिप है ये 4 parts में आप डिवाइड कर सकते हो, मतलब कोई भी ट्रिप को आप 4 parts में डिवाइड कर सकते हो। पहला होता है कि आपका ट्रैवलिंग, तो इधर ट्रेन या बस या फिर फ्लाइट, वो एक एक्सपेंस रहता है। सेकेंड जो मेजर एक्सपेंस रहता है वो होटल का रहता है, सेकेंड एक्सपेंस। एंड थर्ड एक्सपेंस जो रहता है आप लोकल साइट सीइंग के लिए जो भी बुक करते हो या फिर जो गाड़ी आप बुक करते हो उसका जो भी एक्सपेंस है वो थर्ड में रहता है। और फोर्थ जो होता है वो रहता है आपका खाना पीना घूमना फिरना, ऑल टुगेदर आप एक बोल सकते हो। तो ये ट्रिप के लिए हम लोगों ने जो फ्लाइट बुक किया था वो हमने June 1st week में ही कर दिया था टू दिल्ली फ्रॉम बैंगलोर। तो वो हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली 9000 पड़ा था दो लोगों का, सो पर हेड 4500 ओनली आने का। एंड देन फिर टू एंड फ्रो हम लोगों का अप्रोक्सीमेटली वही 18000 पड़ा दोनों का। उसके बाद दिल्ली में जो था हमने होटल बुक किया था वो एक्चुअली 1 night का तो नहीं था, कुछ टाइम स्पेंड करना था हमें बस दिल्ली में, क्योंकि जो ट्रांजिट टाइम था बस के लिए वो लगभग इवनिंग को था बस हम लोगों का अराउंड 7। हमने 1 night का हमने जो था वो रूम बुक किया था। एंड अभी फिलहाल जब हम जा रहे हैं तो तब भी हमने एक 1 night का बुक किया है और हम दिल्ली में 1 night स्टे करने वाले। तो दिल्ली का जो होटल था वो हमें खर्चा आया ओवरऑल 6K। एंड उसके बाद जो हम लोगों का मनाली का जो खर्चा था होटल का, वो फर्स्ट डे जो हम लोग शिंगार रीजेंसी में रुके थे तो उसका खर्चा था 3.7K था 1 night का। एंड फिर स्नो पीक रिट्रीट में हमने 4 days और 3 nights के लिए लगभग 15,000 अप्रोक्सीमेटली, अब 16,000 समझ लो, तो उतना हमने पे किया था फॉर ए लग्जरी रूम इन स्नो पीक रिट्रीट। तो आप ओवरऑल ये मान के चलो कि जो होटल का जो खर्चा था दिल्ली का एंड मनाली का वो आप मान लो कि कितना अराउंड 24,000 जो था वो हम लोगों का होटल में खर्चा आया ओनली। इसके बाद जो मेजर, हाँ एक और बात ये है कि जो हमने बस में ट्रैवल किया, एक तो हो गया हम लोगों का 18K का फ्लाइट का टिकट एंड देन फिर बस का जो टिकट था वो आने जाने का फ्रॉम दिल्ली टू मनाली पर हेड 1500 था, तो 3000 आने का एंड 3000 जाने का, सो इट इज 6000। सो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो ट्रैवल का जो खर्चा था वो था 24K एंड जो होटल का जो खर्चा था दिल्ली एंड मनाली का वो था 24K। तो ये हो गया आपका कुछ 48K। इसके बाद जो हमने गाड़ी बुक किया था तो हमने यहाँ पे एक लोकल को कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि वो गाड़ी बुक करवा सकते हैं हमारे लिए। तो होटल के लिए ड्रॉप था हम लोगों का मनाली प्राइवेट बस स्टैंड से एंड उसके बाद लोकल साइट सीइंग था वो फर्स्ट डे में। एंड फिर सेकेंड डे में हम लोग रोहतांग पास गए एंड फिर जिस्पा गए, जिस्पा में हम लोगों ने स्टे किया एंड थर्ड डे में हम लोग बारालाचा पास गए और बारालाचा पास से हम लोग डायरेक्ट रिटर्न किए मनाली में। और बीच में जो भी मतलब व्यू पॉइंट्स थे और साइट सीइंग के लिए प्लेसेस थे जैसे कि अटल टनल हो गया, शिशु लेक हो गया, तो वो सब हमने कवर किया इस पूरे 3 day ट्रिप में। तो उसका जो चार्जेस था हम लोगों का वो पड़ा 10,000। तो मुझे लगता है कि ये एक मतलब अच्छा मतलब ऑफर किया था और वो मैंने एग्री कर लिया था क्योंकि मैंने 2-4 और भी देखे थे ट्रैवल एजेंसी और वही कैब मतलब वही इन मनाली एंड वो लोग मुझे 14,000-15,000 चार्ज कर रहे थे जो कि मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। 10,000 वॉज रीजनेबल, सो हम लोगों ने ये बुक कर दिया था टोटल कैब का पैकेज। तो ये हो गया हम लोगों का थर्ड एक्सपेंस। तो फोर्थ एक्सपेंस जो था हम लोगों का वो बेसिकली हम लोगों का था खाने का। और फिर आप खाने का ये मान लो कि पर हेड या फिर हम दोनों का 2500 था डिनर एंड लंच एंड देन स्नैक्स, क्योंकि ब्रेकफास्ट कभी कभार हम लोग करते हैं एंड वैसे भी स्नो पीक में हम लोगों का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था होटल के प्राइस में ही, बुकिंग प्राइस में ही। तो 3 times का आप मील समझ लो तो वो अराउंड 2500 आता है। तो ये वेरी करता है, अगर आप थोड़ा सा लैविश रेस्टोरेंट में जाके आप प्रेफर करते हो खाना खाना लंच या डिनर देन इट विल बी मोर। जैसे कि हम एक दो बार हम लोग कैफे गए थे फिर हम लोग रेस्टोरेंट गए थे तो हम लोग दोनों का खर्चा वहां पे ही हो गया था 2000 इन कैफे एंड इन शेर ए पंजाब रेस्टोरेंट हम लोगों का हो गया था अराउंड 1800। तो वो जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा कर पाते हो। तो ये ओवरऑल एक बेसिक ये था। और इसके अलावा हम लोगों ने खूब सारी चीज़ें परचेज किए, शॉल
फिल्टर्स पीसेस एंड कुछ मिसलेनियस चीज़ें जो कि हमने यहाँ से परचेज किया है, तो वो आप मान लो कि अराउंड 10,000 का परचेज। सो ओवरऑल आप ये मान के चलो कि टोटल हम लोगों का जो खर्चा आया इस ट्रिप पे, दैट इज अराउंड 1 लाख फॉर दिस ट्रिप। एंड इट वॉज लाइक वी स्टार्टेड ऑन सैटरडे 25 जून, एंड हम लोग रिटर्न कर रहे हैं 3 जुलाई को। सो इट्स 8 डे ट्रिप, तो इसका खर्चा हमें 1 लाख आया। तो इससे आप सस्ते में भी आप करवा सकते हो, तो बहुत सारे ऐसे मतलब होटल्स हैं जो कि आपको कम चार्ज करते हैं। आपको ऑन एन एवरेज 1500 से लेके 2000 के बीच में आपको बहुत ही अच्छा रीजनेबल होटल मिल जाएगा। इवन 1200 से भी स्टार्टिंग है बहुत सारे होटल, अगर आपको ऐसे बालकनी व्यू ये सब अगर आप इग्नोर कर सकते हो, तो आपको बहुत सारे अच्छे होटल्स भी मिल जाएंगे 1200 1300 के रेंज में। एंड खाना का जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या खाना पसंद करते हो। इससे सस्ता भी होटल है जहाँ पे आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट आप कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऐसे रोड साइड होटल से नॉर्मल ऑन एन एवरेज होटल रहता है जहाँ पे आप कर सकते हो, एंड आपका बिल वही 500 600 तक भी आ सकता है, तो वो आप मैनेज कर सकते हो अगर आप एक बजट ट्रिप प्लान कर रहे हो। तो आई होप ये जो वीडियो था ये इंफॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो या आपको अगर जो जिससे हमने ट्रैवल किया था, कैब बुक किया था, अगर उनका नंबर चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर दे दूंगा। कोई भी अगर बुकिंग करवाना हो तो आप बुकिंग करवा सकते हो उनसे, बहुत ही अच्छे मतलब इंसान है। लंच के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए और फिर शाम को हम लोग मॉल रोड की तरफ निकल गए थे। यहाँ से हमारे होटल से मॉल रोड अराउंड 2 3 किलोमीटर है, 3 3.5, बट क्योंकि टाउन हिल है तो हम लोग वॉक करके चले गए थे मॉल रोड। एंड मॉल रोड में हमने कुछ शॉपिंग की वहाँ से, और फिर हम लोग वहाँ से हम लोग कैफे 1986 में गए थे जो कि मॉल रोड पे ही है, और काफ़ी फेमस कैफे है मनाली की, और हमने खूब एंजॉय किया वहाँ पे। काफ़ी बढ़िया कैफे था, फूड वगैरह एंड लाइव म्यूजिक जो भी था बहुत ही अच्छा था, हमने खूब एंजॉय किया वहाँ पे। एंड आई रिकमेंड दैट प्लेस, अगर आप आ रहे हो मनाली तो आप ज़रूर विजिट कीजिए। और फिलहाल जो टेम्परेचर है अभी तो 18 दिखा रहा है, और देखते हैं रात को जो मिनिमम है वो 12 तक जा रही है अभी गूगल के हिसाब से, तो अभी देखते हैं। तो आज के लिए व्लॉग में बस इतना ही, कल देखते हैं, कल का प्लान अभी हम बना रहे हैं। तो वैसे तो है जाने का बाहर, कल एक दिन है हमारे पास, और परसों जो है हम लोग वापस दिल्ली लौट रहे हैं। तो देखते हैं कल कैसे यूटिलाइज कर पाते हैं हम, मॉर्निंग में जब उठेंगे तब प्लान करेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिए, और बने रहिए मेरे चैनल पर, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आती रहे मेरे वीडियोज़ की। तो ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, सो टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय। हम लोग कैसे आए बैंगलोर, हम लोग कैसे कैसे आए वहाँ, फ्लाइट सूट के।